हेलो गाइस माय डॉटर इज़ अ म्यूजिक जीनियस चैप्टर सेवेंटीन डैडी हरी अप जल्दी करो चाहे लुक फॉर द सनसाइन क्लास एरिया चाहे सनसाइन क्लास एरिया को देखो जरा कहाँ पर है देयर्स द टीचर यहाँ है टीचर हेलो चे गुड मॉर्निंग चेय्स फादर हेलो टीचर गुड मॉर्निंग ओह यू आर मूविंग अ कराको मशीन इट लुक्स हैवी सैल आई हेल्प आप कराको मशीन को मूव कर रहे हैं ये हैवी लग रही है क्या मैं हेल्प करूँ अन ग यूज इड फॉर आर शो दैट्स अबाउट स्टार सो इट्स ऑल राइट थैंक्स फॉर द ऑफर मैं इसे शो के लिए यूज़ करने वाली हूँ जो कि अभी शुरू होने वाला है जिस फिर इसे इस ठीक है इट्स ऑल राइट मीन्स कोई बात नहीं आपके ऑफर के लिए धन्यवाद आ चेयून फादर दिस इज़ देयर टीम यूनिफॉर्म द चेंजिंग रूम इज नेक्स्ट टू द ऑडिटोरियम चेयुन के पापा ये इनकी यूनिफॉर्म है चेंजिंग रूम ऑडिटोरियम के बगल में है यू कैन ब्रिंग हर देयर टू चेंज आप उसे वहां ले जा सकते हैं देन गो टू द सनसाइन क्लास सेक्शन फिर आप सनसाइन क्लास के सेक्शन में चले जाइएगा ऑल राइट ठीक है आई लाइक हैिटी थिंग्स माई डॉट माई डियर चयन इवन येलो लुक्स गुड ऑन यूड येलो भी तुम्हारे पर अच्छा लग रहा है माई गॉस इट्स चेयन एंड फादर ये चेयून है और उसके पापा हेलो चयन फादर्स हाय चेयन हेलो माई सन टॉक्स अबाउट चेयूं लॉट मेरा बेटा चयून के बारे में बहुत बात करता है योर सन टू आई हर्ड अ लॉर्ड अबाउट चेहुन फ्रॉम माई डॉटर टू मैंने चेयून के बारे में अपनी बच्ची से भी बहुत सुना है हाँ हाँ वर दे गुड थिंग्स क्या वो अच्छी बातें हैं अच्छी बातें थी ऑफकोर्स सी वॉन्ट्स टू बी फ्रेंड चेहन सो गिव अस समिप्स हाँ वह चैन के साथ दोस्ती करना चाहती है सो so, हमें कुछ टिप दीजिए इफ़ दे सच अ थिंग देन टेल माई सन फर्स्ट अगर ऐसा कुछ है तो पहले मेरे सन को बताइए, मेरे बेटे को बता दीजिए हाँ आई एम थैंकफुल फॉर वर्ड मैं आपके शब्दों से मैं आपके शब्दों की वजह से थैंक यू मतलब थैंक यू मीन्स हम धन्यवाद करना आदर प्रकट करना आई हैव टू गो नाउ मुझे अब जाना होगा क्यों क्योंकि इसका अनाउंसमेंट हो गया कि बच्चे वहाँ पे फील्ड में आ जाइए तो ये लोग जा रहे हैं मी टू मम्मी मुझे भी जाना होगा किड्स गैदर अराउंड ये फिर से टीचर बोल रही किड्स गैदर अराउंड ये इस तरफ आ जाओ गैदर होना मीन्स इकट्ठा होना ये देखिए सारे बच्चे इकट्ठे हो गए बाय बाय कर रहे हैं now parents please stand in your designated area let's do some stretching with our kids जहाँ parents को बताया गया है उनका जो भी area है वहाँ पर वो लोग क्या करें खड़े हो जाए और stretching करें अपने बच्चों के साथ में अब यहाँ पर लोगों की हालत ख़राब हो रही है स्ट्रैचिंग करके तो इन लोग अपने मन में ही कुछ ना कुछ बोल रहे हैं जैसे अपन लोग बड़बड़ाना कहते हैं ये क्या बोल रहे हैं गॉडनेस, दिस इज मोर टायरिंग देन गोइंग टू वर्क ये वर्क काम पे जाने से भी ज़्यादा थकावट भरा है आई वुड रेदर गो हाइकिंग विथ माई बॉस देन डू दिस मैं इसकी अपेक्षा अपने बॉस के साथ में हाइकिंग पर जाना पसंद करूँगा यस एंड विथ द लास्ट मॉम स्टैंडिंग और जो लास्ट में मॉम खड़ी हुई हैं लस स्टार्ट अवर स्ट्रेचिंग अपनी स्ट्रेचिंग शुरू करते हैं ये देखो सब लोग स्ट्रेचिंग करने बच्चों के साथ हैं आप लोग करते हैं स्ट्रेचिंग करना अच्छा होता है सेहत के लिए भी मैं बिल्कुल नहीं कर पाती रोज़ सोचती हूँ आज करूँ आज करूँ और बस टाइम ऐसे ही निकल जाता है द फर्स्ट गेम इज अ मिक्सड रन अभी जो पहला गेम है वो है मिक्सड रन द चिल्ड्रेन विल रन चिल्ड्रेन यहाँ पे दौड़ लगाएंगे एंड द एडल्ट विल टाई अ रोप पैर में एडल्ट रस्सी बांध देंगे एंड रन अकॉर्डिंग टू देयर देअर चिल्ड्रंस और जो चिल्ड्रेन के साइड में है वो उनके उनके बगल में मतलब तो चिल्ड्रन है उनके बगल में वो लोग रन करेंगे यू विल पार्टिसिपेट इन द मिक्स रन टू डैडी आप भी मिक्स रन में पार्टिसिपेट करेंगे डैडी वी हैव टू रन राइट हमें करना होगा है ना डैडी यू कैन डू इट डैडी आप कर सकते हो हाँ हाँ डैडी विल वर्क हार्ड डैडी मेहनत करेंगे इसके लिए नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ द मिक्स रन विद द मून क्लास सो सबसे पहले मून क्लास से स्टार्ट करते हैं हम मून क्लास मिक्सडन स्टार्ट विन मून क्लास वाह सब लोग गिर रहे हैं पैर में रस्सी होने की वजह से डैडी इट्स नॉट टू लेट टू टेल द टीचर दैट वी कान डू दिस डैडी अभी देरी नहीं हुई है कि टीचर को ये कहने के लिए कि हम कर नहीं कर सकते वाई क्यों यू माइट गेट हर्ट आपको चोट लग सकती है एवीवन कीप्स फॉलिंग डाउन एंड लुक इट्स लुक्स पेनफुल सभी लोग गिरते जा रहे हैं और ये थोड़ा सा पेनफुल लग रहा है आई एम ओके आई कैन डू इट विदाउट फॉलिंग मैं ठीक हूँ मैं बिना गिरे भी इसे पूरा कर सकता हूँ एंड इवन इफ आई फॉल डाउन और अगर हम गिर भी गए आई वॉन्ट गेट हर्ट मुझे हर्ट नहीं होगा तकलीफ़ नहीं होगी सनसाइन क्लास प्लीज गेट रेडी डैडी यू कॉन्ट फॉल डाउन डैडी आप गिर नहीं सकते टेक अ गुड लुक आई वॉन्ट फॉल ध्यान से देखो मैं नहीं गिरूंगा इज वार्ट आई सेट यह मैंने कहा था बट लेकिन इट्स अ मोस्ट फनिस्ट पिक आई कॉन्ट बिलीव आई वेंट ऑल आउट अगेंस्ट चिल्ड्रेन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपने बच्चों के अंगेंस्ट में चला गया हूँ ये देखो ये जीत गया है और ये बच्चा रो रहा है कि कितना फनी सीन है एंड वी हैव अ विनर कॉन्ग्रेचुलेशन सन क्लास लो हमें विनर मिल गया Congratulations Sunsign Class. Sunsign Class है कॉन्ग्रेचुलेसन सनस क्लास सनसाइन क्लास जीत गई है सैल वी राइट दिस मोमेंटम एंड कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट गेम अभी मोमेंटम ये क्या करेंगे राइट करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट गेम की तरफ कंटिन्यू करेंगे वाह wow, ये पिक सबसे अच्छी लग रही है। यू मस्ट बी हंग्री लेट्स ईट लंच होंगे चलो अपना लंच करते हैं हाँ आई थिंक इट्स बिकॉज वी ऑलवेज ईट लाइक दिस आई थिंक मी मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है कि हम हमेशा ऐसा ही खाते रहते हैं आई थॉट इट वुड बी ओके टू प्रिपेयर दिस मुझे लगा था है ये ठीक रहेगा अगर इतना प्रिपेयर कर ले तो ये दूसरों का खाना है I should have brought फेवरेट टू वाट इन गेट सिक ऑफ इट मुझे भी चेवन का कुछ फेवरेट लाना चाहिए था क्या हो अगर चेवन इससे सिक हो जाए मे से सिख होना यहाँ पे बीमारी होने की बात नहीं है सिक होना मीन किसी चीज से परेशान हो जाना है या फिर बोर हो जाना कुछ इस टाइप जैसे से यूज कर रहे हैं यहाँ पर सेल वी ओनली है वी ओनली हैव चेहन वी ओनली हैव गिम्बेप इज दैट हाँ जेहन हमारे पास अभी सिर्फ गिम्बेप है क्या ये चलेगा हम्म इट्स फाइन देयर जूस टू यहाँ ये यह ठीक है यहाँ जूस भी तो है ऑल्सो ईटिंग विथ यू मेक्स इट मोर डेलीशियस ऑल्सो मीन्स इसके अलावा आपके साथ खाने से ये और भी डेलीशियस हो गया है आई एम फुल मैं फुल हूँ डे डिड यू ईट वेल क्या तुमने अच्छे से खाया आई शुड प्रिपेयर फ्रूट्स नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट टाइम फूड भी प्रिपेयर करूँगा ओह oh, अरे प्लीज़ हैव दिस कृपया ये लीजिए चाहे योर फ्रेंड गेव दिस टू यू यू शुड से थैंक यू चाहे आपके फ्रेंड ने आपको ये दिया है तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए थैंक यू व्हाट्स योर नेम इट्स नॉट फॉर यू यू एज एज सी यू सी इट्स फॉर चैन ये आपके लिए नहीं है एज यू सी मीन बड़ों के लिए बोलते हैं अंकल वगैरह के लिए इट्स फॉर चैन ये चैन के लिए ओह इज दैट सो इज दैट सो अच्छा ऐसा है वाट इज ही बींग वेरी हाउ क्यूट क्या ये थोड़ा वेरी हो रहा है हाउ क्यून कितना अच्छा है हम लोग नहीं होते जब हम अपने दोस्त को देते हैं तो अगर, अगर बगल में कुछ के, लेने लगते हैं तो अपन नहीं कहते कि ये आपके लिए नहीं है इसके लिए वेरी होना होता है थोड़ा सा न, सावधान होना इस टाइप से आई डोंट वॉन्ट दिस मुझे ये नहीं चाहिए चेउन यू रियली डोंट वॉन्ट दिस चेउन तुम सच में ये नहीं चाहती हो या आई डोंट आई वॉन्ट इट या आई वॉन्ट इट हाँ मैं नहीं चाहती हूँ यू डोंट हैव अ मॉम राइट दैट्स वाई माई मॉम गिव दिस टू यू तुम्हारी मॉम नहीं है ना इसलिए मेरी मॉम ने तुम्हें ये दिया है वाट डिड यू जस्ट क्या कहा तुमने वाह इसको गुस्सा आ गया सब फेंक यू यू आर रियली स्टूपिड तुम सच में बहुत स्टूपिड हो यू डोंट नो एनी थिंग तुम्हें कुछ नहीं पता है आई एम गिविंग दिस टू यू वॉट डू यू थिंक यू आर डूइंग मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ तुम क्या सोच रही हो तुम ये क्या कर रही हो आई डोंट नीड देम मुझे नहीं चाहिए ये आई डिडेंट आस्क फॉर देम मैंने इनके लिए तुमसे नहीं मांगा मैंने तुमसे इनके, मैंने तुमसे यह नहीं मांगा है किट्स फोन नाउ लेट्स काम बच्चों अभी के लिए थोड़ा काम हो जाइए शांत हो जाइए इस लड़के को गुस्सा आ रहा है यू सो वाट इफ यू आर द प्रिटिस्ट इन सनसाइन क्लास तो क्या अगर तुम सबसे प्रिटिस्ट हो सनसाइन क्लास में प्रिटिस्ट मीन्स खूबसूरत हो इं? ये दोनों सब स्पेशली पापा सब वाट इन दर्ल्ड ये क्या है संसार में क्या है थैंक यू गाइस गाइज़ अगर आपको लगे कुछ मुझे चेंजेस करने चाहिए मुझे कुछ और अच्छे से बताना चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो ठीक है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि कुछ यहाँ पे ये चेंजेस कर दीजिए जैसा भी आपको ठीक लगे थैंक यू